विजय संकल्प रैली, ये बीजेपी की हरियाणा में कई रैलियां हो चुकी हैं और ऐसे में इस तरह की रैलियों का दौर आगे भी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अंबाला भी जाएंगे और अंबाला के मुलाना की अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बड़ी जनसभा आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पूर्व विधायक राजवीर बराड़ा को संयोजक बनाया गया रैली का। अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बंटू कटारिया के लिए वोट मांगे जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अपनी पार्टी और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते भी नजर आए थे। आज भी इसी तरह के कुछ हम नजारे देख सकते हैं जिसमें विरोधियों को वो घेर भी सकते हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। आज चंडीगढ़ में शाम को बैठक भी है, कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा हमने कल भी देखा कि सिरसा, इसके अलावा फतेहाबाद जिले में भी टोहाना में जाकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली में संबोधित करते हुए कई तरह से जवाब दिए हैं अपने विरोधियों को भी और साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया था। उससे पहले फरीदाबाद भी इसी तरह की रैली हमने देखी थी, आज अंबाला की बारी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की जो रैली आयोजित की जानी है उसके बारे में आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। अंबाला लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रचार अभियान बहुत तेज गति से अब आगे बढ़ा रहे हैं खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चुनौतियां क्या क्या आपको लगती है अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए? देखिए कमल, खुद जो बीजेपी के चुनाव प्रचार की जो कमान है वो खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने हाथों में ले रखी है। खुद लगातार नायब सैनी रोजाना रूटीन में रैलियां कर रहे हैं। आज अंबाला लोकसभा क्षेत्र की रैली करेंगे, मुलाना विधानसभा क्षेत्र में रैली होने जा रही है, बराड़ा में ये पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें नायब सैनी जो लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार बंटू कटारिया उनके लिए वोट मांगेंगे। अब कई मायनों में रैली अहम है क्योंकि अगर बात करें मुदाना विधानसभा सीट की बात करें यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव में मुलाना से बीजेपी की उम्मीदवार बंटू कटारिया को ज्यादा से ज्यादा लीड मिले। तीन दिन पहले भी अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कई रैलियां नायब सैनी कर चुके हैं, अंबाला सिटी में रैली कर चुके हैं, यमुनानगर में रैलियां कर चुके हैं, यानी जो ताबड़तोड़ रैलियां हैं रैलियों का दौर लगातार जारी है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कुल अभी तक मुख्यमंत्री 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। कल सिरसा लोकसभा क्षेत्र की रैलियों को संबोधित किया था, यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। पिछले अगर हम 7-8 दिन की बात करें तकरीबन 2-1.5 दर्जन के करीब जो रैलियां हैं मुख्यमंत्री संबोधित कर चुके हैं। अभी इससे पहले हमने एक और खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी, उसके बारे में भी एक सवाल मैं करना चाहूंगा अनिल मोर आपसे। आज बैठक भी है, मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास पर, बताया जा रहा है कि रात्रि भोज भी है। क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है बीजेपी की, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैसे इस रणनीति को अमली जमा पहना सकते हैं और विधायकों मंत्रियों के सामने रख सकते हैं पूरी रणनीति और पूरा एक्शन प्लान चुनाव को लेकर? देखिए बिल्कुल कमल, चाहे रैली हो चाहे बैठक हो, बीजेपी लगातार दोनों ही चीजों में आगे चल रही है। बीजेपी की तरफ से अपने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है। जहां आज दिन में मुख्यमंत्री नायब सैनी रैली को संबोधित करेंगे, वहीं शाम को चंडीगढ़ में बेहद महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही है। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी की चर्चा होगी, मंत्रिमंडल के जो सहयोगियों के साथ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, मंत्रियों की चुनावी ड्यूटियों को लेकर चर्चा की जाएगी, उनके जो जिले हैं हल्के हैं उनमें किस तरीके से फीडबैक आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर उस पर चर्चा होगी। उस बैठक के बाद विधायक दल की बैठक है जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, विधायकों की भी कहीं ना कहीं चुनावी ड्यूटियां लगाई जाएगी, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह का फीडबैक लिया जाएगा। खास बात यह रहेगी कमल, इन बैठकों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खास तौर से बैठक में मौजूद रह सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहीं ना कहीं पार्टी के विधायकों को मंत्रियों को टिप्स दिए जाएंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में विधायकों को मंत्रियों को आगे बढ़ना है, जो विधायकों के मंत्रियों के हलके हैं जिले हैं उनमें किस तरीके से जो उनकी जो तैयारियां हैं वो करनी है, चुनावी ड्यूटियां किस तरीके से लगेगी, तो तमाम तरह का जो फीडबैक है चर्चा है वो आज शाम को चंडीगढ़ में होगी। फिर रात्रि जो है जो डिनर का आयोजन भी मुख्यमंत्री आवास पर किया गया है।